हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका नाम है नैलको। नैलको में वैकेंसी आई हुई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखना, और अंत तक अगर नहीं आप देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना। इसमें जो पोस्ट रहने वाला है उस पोस्ट का नाम है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। अगर हम इसमें डिसिप्लिन की बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, केमिकल और केमिस्ट्री रहने वाली है। तो यहाँ पे कितने कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो भी दे रखा है। मैकेनिकल में 172 एंड इलेक्ट्रिकल में 100, इंस्ट्रूमेंटेशन में 20, मेटलर्जी में 10, केमिकल में 30 और केमिस्ट्री में 7। टोटल 277 पोस्ट है, और यहाँ कैटेगरी वाइज डिवाइड भी किया गया है कौन से कैटेगरी के लिए कितने कितने पोस्ट हैं, हर एक डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया है। तो वो आप देख लेना, जिस कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आप देख लेना कि आपके कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने गेट 2023 का पेपर दिया है और उनका स्कोर अच्छा है, उनके लिए है। तो ये ध्यान रखना, गेट 2024 भी नहीं यहाँ बोला गया है, 2023। अगर आपने गेट क्लियर करा है, आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि आपके पास फुल टाइम डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ, अगर आप URE EWS OBC हो। अगर आप SC ST हो तो 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जनरल हो, OBC हो, तो 65% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बता रखा है कि आपका डिग्री होना चाहिए। अगर नहीं है, डिप्लोमा है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर से बताया गया कि आपकी जो सिलेक्शन होने वाली है वो आपके डिग्री और आपका जो गेट 2023 का स्कोर कार्ड है उसी पे होगी। गेट 2023 के स्कोर कार्ड पे डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो 1:10 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, अगर आप एलिजिबल होते हो तो। यहाँ पे गेट के पेपर कोड दे रखे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, इन सब के, तो ये चीज़ आप देख लेना। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज आपका गेट से ही लिया जाएगा 90%, और इंटरव्यू 10% के बेस पे आपका हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू का परसेंटेज देखा जाए तो 10% है, और गेट का स्कोर 90% रखा गया है। तो यहाँ पे वेटेज बता दिया गया है कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो ये चीज़ आप देख लेना। यहाँ पे फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है, बाकी के अदर कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे दे रखा है कि आपको एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है। इनके www.nalcoindia.com पे जाके आपको, अगर यहाँ पे डेट की बात करें तो यहाँ 4 मार्च से, यानी 4 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन अप्लाई करना, एंड इसका जो लास्ट डेट है वो रहने वाला है 2 अप्रैल, यानी 2 अप्रैल 2024 रहने वाला है, और ये अभी अप्लाई होगा 4 मार्च से। तो अभी टाइम है, जब तक आप आराम से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और छोटा सा लाइक ज़रूर से करना।